ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य का मामला भी ठंडा भी नहीं होता है कि एक दूसरा मामला यूपी के गाजीपुर में सामने आया। दरअसल गाजीपुर के कासिमाबाद में खजुआ गांव की रहने वाली साजिया उर्फ रिया यादव ने अपने अधिकारी पति पर उसे छोड़ने का आरोप लगाया है। उसने बताया कि जब उसका पति नौकरी की तैयारी कर रहा था तो उसने एनजीओ और स्कूल में काम करके उसे पैसे देकर पढ़ाया और उसकी मदद की, लेकिन उसके पति ने अब धोखा दे दिया। यहाँ तक कि जब उसका मकान बन रहा था और उसकी छत की ढलाई में पैसा कम पड़ा तब भी उसने मदद की थी। वहीं गाजीपुर के पुलिस ऑफिस में गोद में एक बच्ची को लेकर घूम रही ये महिला शाजिया उर्फ रिया यादव है, जो साल 2017 में पड़ोस में रहने वाले धीरेंद्र यादव से मोहब्बत करती थी। डुमराव उर्फ भटवालिया की साजिया उर्फ रिया यादव पत्नी धीरेंद्र कुमार यादव ने पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देकर गुहार लगाई। उसने बताया कि धीरेंद्र कुमार यादव से 15 नवंबर 2017 को मऊ के वन देवी मंदिर में हिंदू रीति रिवाज के अनुसार उसका विवाह हुआ। वो एनजीओ में काम करके 5000 रुपए महीना कमाती थी और प्राइवेट विद्यालय में 2500 रुपए मासिक पर कार्य करती थी। धीरेंद्र की पढ़ाई में कोई बाधा ना आए इसलिए उसने कई बार पैसा भेजा। इस बीच साल 2019 में धीरेंद्र सिंचाई विभाग में जेई बन गया। साल 2021 में मिर्जापुर सिंचाई खंड 6 में अवर अभियंता के पद पर नियुक्त हुए। यहाँ वो अपनी सास के साथ किराए के मकान में रहती थी। 17 सितंबर 2021 को उसने एक बेटी को जन्म दिया। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन उसके बाद रिया यादव ने अपने अधिकारी पति पर उसे छोड़ने का आरोप लगाया है। और मेरे पति 18 तारीख को लेकर आए, बोले चलो घर रहना है, लेकर यहाँ पंचायत के तौर पर हमें हटा दिए। पांच लोग जितने लोग थे कहे कि भाई बच्ची है, ये है, प्रेग्नेंट भी है, तो जाएगी कहाँ, आपको रखना पड़ेगा। उसी पर कुछ हाथापाई अपने में किए, फिर हमको उसी दिन से हटा दिए। मैं उसी 18 तारीख से दर दर की ठोकरें खा रही हूँ। कौन है आपके पति और कहाँ के रहने वाले? हमारे पति धीरेंद्र कुमार यादव हैं, ग्राम भटवलिया के रहने वाले हैं, सभा कागजीपुर है, थाना कासिमबाग पोस्ट गंगौली जनपद गाजीपुर। आपको कहाँ से लाए थे? दुधी से, सोनभद्र दुधी से हमको लेकर आए। वहाँ पर क्या कुछ करते हैं वो? हाँ, सिंचाई विभाग में जे ही है, उनकी पोस्टिंग मिर्जापुर में है और ये कनहर डैम पर वो कार्यरत हैं। हम जो किराए के मकान में दुधी पे रामनगर लेकर रहते थे, अच्छे से सब कुछ अच्छा से चलता था। इनके घर परिवार में सभी लोग जानते थे, मेरे परिवार में कोई जानता नहीं था। मैं एनजीओ में काम करती थी, एनजीओ में काम करके उनको बहुत सहायता हेल्प भी की। शादी आप लोगों की? हाँ, बनदेवी में हमसे शादी की है, मंदिर में किए। सारा कागजात वगैरह सब मोबाइल में था, हमको नहीं लग रहा था कि मतलब वो ऐसा काम करेंगे, हमको छोड़ेंगे। बार बार बोले कि चलिए कोर्ट से करिए, बच्ची का सर्विस बुक में नाम डालिए। तो बोल रहे थे कि अब बच्ची हो गई है, फिर पेट से हो, तो ऐसे कैसे हो सकता कि हम तुम्हें छोड़ेंगे। घर वालों को मना रहे हैं, लेकिन आखिर वो क्यों छोड़ना चाहते? तब आपका संपर्क हुआ? हमारा संपर्क सर, पहले हम लोग तो गांव ही के थे, पहले दोस्त के रूप में थे हम लोग। दोस्त में वो होते होते फिर हम लोग का मतलब प्यार प्रसंग चलने लगा। फिलहाल पीड़ित महिला ने पुलिस अधीक्षक के पास प्रार्थना पत्र दिया है, जिसके बाद पुलिस अधीक्षक ने मामले को महिला प्रकोष्ठ में ट्रांसफर कर दिया है। जिस मामले में दोनों पक्षों को महिला प्रकोष्ठ के द्वारा बुलाया गया, लेकिन महिला तो प्रकोष्ठ में पहुंची, लेकिन उसका पति धीरेंद्र यादव और उसके परिवार के लोग प्रकोष्ठ में नहीं पहुंचे। इसके बाद अगली तिथि 25 सितम्बर लगा दी गई है। पंजाब केसरी टीवी के लिए गाजीपुर से अनिल कुमार की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।